आज हम क्लास 12 जो हमने पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया था जनसंचार माध्यम, तो हमने जनसंचार के माध्यम में सबसे पहले आपको बताया था प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया क्या है उसके विषय में हम समझेंगे। तो प्रिंट मीडिया में बताया था कि पत्र, पत्रिकाएं और समाचार पत्र, ये हमारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। सबसे पहले संचार माध्यम में आता है हमारा प्रिंट मीडिया। तो ये सबसे प्रमुख और प्राचीन माध्यम है हमारा संचार माध्यम। इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित रूप हैं, यानी समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तकें और इश्तिहार। पुस्तकें भी प्रिंट होती हैं और समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इश्तिहार भी, यानी विज्ञापन, वो भी हमारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सबसे पहले समाचार पत्र और पत्रिकाएं क्या है। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। बच्चों इसमें, इस चैप्टर में से लघु क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। समाचार पत्र के कार्य को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जाता है, यानी इसके जो कार्य हैं उनको तीन भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला होता है समाचार में समाचारों को संकलित करना, यानी एकत्रित करना। समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता कहा जाता है, यानी संवाददाता जो होता है वो समाचारों को एकत्रित करता है, यानी इकट्ठित करता है। फिर अगला आता है हमारा संपादन करना। तो संपादन करने का काम जो है संपादक करता है, जो न्यूज़पेपर का संपादक होता है उसका काम होता है पेपर, यानी समाचार पत्र को संपादन करना। तो समाचार पत्र को छपने योग्य बनाने वाले को संपादक कहा जाता है, तथा छपने का कार्य, छपाने का कार्य संपादकीय विभाग करता है, यानी जो संपादकीय विभाग होता है उसमें संवाददाता वो करता है, एक समाचार भेजता है, उसके बाद जो है संपादकीय विभाग में जाता है, वहाँ संपादक उसको फाइनल करता है, तब वह उसके बाद मुद्रण तथा प्रसारण करता, यानी प्रसारण के लिए जाता है। समाचार पत्र सारी प्रक्रिया से गुजरता हुआ प्रसारित होता है। तो ये जो है इसके कार्य की सारणी है। अब आता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं आज़ादी से पूर्व भी प्रकाशित होती थी, यानी हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती थी। तो इसमें सबसे पहले जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से थे, और जो है आज़ादी से पूर्व पत्रकार कौन कौन थे। तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो भारत की आज़ादी से पूर्व निम्नलिखित समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि, ये जो है आज़ादी से पूर्व की समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। और आज़ादी से पूर्व के पत्रकार नीचे दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब जो हैं आज़ादी से पूर्व पत्र, पत्रिकाओं का संकलन करते थे। आज़ादी के दौरान भारतीय पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, वो था स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। यह लक्ष्य आज़ादी पाने के दो दशकों तक भी बना, लेकिन उसके बाद ये एक कमाई का जरिया बन गया। आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो हैं आज भी आते हैं, नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण,
जो आज भी प्रसारित होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले इश्तिहार भी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आगे का जो है हमारा संचार माध्यम है रेडियो, वो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।